राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर पहुंचे बोधगया, कहा कुछ लोग भारत के टुकड़े होना देखना चाहते हैं। बोधगया, एकता सबको नहीं भाती है, कुछ अलग विचार के लोगों का प्रयास है कि भारत के टुकड़े हों। उनका यह कुछ प्रयास सफल नहीं होगा। उक्त बातें बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बोधगया स्थित महाबोधि सोसाइटी के सभागार में सभा को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं यहाँ आया था और अपना विचार रखा था, लेकिन कुछ तत्वों द्वारा भेदभाव डालने का प्रयास हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पूजा घर में भगवान बुद्ध की भी मूर्ति होती है और हम पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं। इस मिट्टी से जो विचार आया, पंथ आया, उन सबका विचार था कि सबका कल्याण हो। करुणा और अहिंसा का विचार भारत भूमि की ही देन है। इससे पहले बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर पहुंचे। सबसे पहले मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर भगवान बुद्ध का दर्शन किया। मंदिर के मुख्य पुजारी ने विशेष पूजा विशेष रूप से सूत पाठ कर पूजा करवाई। इसके बाद पवित्र बोधि वृक्ष के पास पहुंच, जहां कुछ देर वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान साधना किए। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक इंद्रेश कुमार भी मौजूद थे। तत्पश्चात महाबोधि मंदिर स्थित पंच पांडव मंदिर में वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ पूजा की। जानकारी हो कि पहली बार किसी राज्यपाल द्वारा बोधि मंदिर स्थित पंच पांडव मंदिर में वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ पूजा की गई। मौके पर मौजूद विचारक धर्म संस्कृति संगम के संस्थापक इंद्रेश कुमार ने कहा कि मैंने बुद्ध को चीवर चढ़ाया और गया धाम में विष्णु की भी पूजा की। किसी ने यह नहीं पूछा कि आप दोनों की उपासना क्यों करते हैं। कुछ विद्वान इसकी कट्टरता में चले आते हैं, इसलिए हिंसा और द्वेष उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि भारत हजारों वर्ष से जिस भी मान्यता का देश रहा है, उसमें तथागत बुद्ध का अवतार संभव है, या किसी मुस्लिम या ईसाई देश में संभव नहीं हो सकता। आने वाले हैं, जैसे कि मैं कुछ दिन पूर्व यहीं पर आया था बुद्ध पूर्णिमा के निमित्त, और मेरा सौभाग्य था आप सबसे फिर एक उस बार में मिलने का। उस समय भी मेरी यह अनुभूति थी, विचार था कि हमारे बीच में कुछ फूट डालने की, भेदभाव निर्माण करने का प्रयास हो रहा है, और इसीलिए मैंने कहा था कि हमारे पूजा घर में हमारे जब जहां पूजा होती है वहां भगवान बुद्ध की भी मूर्ति होती है, भगवान बुद्ध का भी चित्र होता है। हमें इसमें कोई अलग साल लगता नहीं, हम सब एक ही हैं। इसी विचार को हम आगे लेकर जा रहे हैं। हम पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं और इस भूमि से, इस मिट्टी से जो जो भी विचार बाहर आया, जो जो भी पंथ बाहर आ गए, जो पंथ विचार प्रवाह बाहर जाने लगे, उन सब का विचार तो यहाँ यही था। मैंने उस समय भी कुछ दिन पूर्व यहाँ उस घटना का उल्लेख किया था। परम पावन दलाई लामा जी से उनका दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला और उनके सानिध्य में बैठने का मुझे अवसर मिला। परम पूजन परम पावन दलाई लामा जी ने मुझे एक बात कही जो मैंने कही थी यहाँ, हमको अगर इस संदेश को पूरे विश्व में पहुंचाना है, वो संदेश है करुणा और अहिंसा का। और परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि यह विचार इस भूमि की देन है, अपने भारत वर्ष की देन है, और इसीलिए हम सभी भारत